बलिया में क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग ने देहरादून की सिक्योरिटी कंपनी को आमंत्रित कर रोजगार मुहैया कराने की पहल की थी। उसी तारतम्य में मनियर ब्लॉक में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को सिक्योरिटी सुरक्षा गार्ड के लिए 120 लोगों का चयन किया गया। SIS सेंटर लिमिटेड देहरादून में डिप्टी कमांडेंट के पद पर नियुक्त रामकिशन सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी बलिया अदिति सिंह के मार्ग निर्देशन में बलिया ब्लॉक में 332 लोगों का चयन किया जाना था, जिसमें करीब 200 से 250 युवक उपस्थित थे, जिसमें से 120 लोगों का चयन किया गया। आगामी 13 अगस्त को इनके प्रशिक्षण हेतु बुलावा पत्र भेजा जाएगा। इन युवकों को अपने खर्च से एक माह का प्रशिक्षण करना होगा, जिसका खर्च लगभग 10,500 रुपए आएगा। प्रशिक्षण के उपरांत NCR सेक्टर में कार्य करने वाले युवकों की सैलरी 12,000 से लेकर 16,000 के बीच होगी। वहीं पूर्वांचल क्षेत्रों में ड्यूटी करने वाले युवकों की सैलरी 12,000 से लेकर के 14,000 रुपए के बीच होगी। सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होने वाले युवकों की उम्र लगभग 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वजन 56 किलोग्राम, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को 10 बजे से नगरा ब्लॉक में भर्ती होगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए युवक को एक फोटो, हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आवेदन के लिए 350 रुपए लाना होगा। ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट, इंडिया समाचार। सर, मेरा नाम रामकिशन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मैं देहरादून में डिप्टी कमांडेंट के पद पे SIS इंडिया लिमिटेड में स्थापित हूँ। सर जी, अभी आप कहाँ पे आए हो, किस लिए आए हैं? हाँ सर, यह आपके मनियार ब्लॉक में सर जिला अधिकारी महोदया आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड का भर्ती कार्यक्रम करने के लिए आए हैं और यहाँ पर आज हमें 332 लोगों को लिस्ट के हिसाब से उनको चयनित करना था। लड़के यहाँ पर जो उपस्थित हुए तो करीब 200 से 250 आए, जिसमें से हम लोगों ने 120 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जिनका एक माह का प्रशिक्षण आने वाली तारीख 13 तारीख को इनको उत्तराखंड के देहरादून में प्रशिक्षण हेतु के लिए बुलावा पत्र जारी किया गया है। इन लोगों की क्या सैलरी किस तरह की रहेगी? सर, एक माह का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण में सुरक्षा का विधियाँ हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एक्सेस कंट्रोल है, फायर फाइटिंग है और दूसरी गतिविधियाँ, हाई जंप, लॉन्ग जंप है, फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग होगी। एक माह के प्रशिक्षण के बाद में इनको हम लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जो NCR बेल्ट में आते हैं, इनको हमने 12,000 से 16,000 के वेतन के लिए हमने इनको बताया है। और अगर पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है, तो यहाँ पर भी ड्यूटी ये करेंगे तो इनका पेमेंट 12,000 से 14,000 के बीच में रहेगा। जी, जैसे कि आगे वाली भर्ती किस ब्लॉक में होने वाली है? आने वाली जो भर्ती होगी सर, वो एक ऐसे तो मेरे को करेक्ट नाम नहीं पता, नागरा करके है कोई ब्लॉक, वहाँ पर इनका भर्ती कार्यक्रम जो होगा उसमें प्रातः 10 बजे से भर्ती कार्यक्रम चालू होगा। सर कितने तारीख को नागरा में भर्ती है? सर दिनांक तो 5 तारीख को भर्ती होगी, मतलब 5 अगस्त को, मतलब कल के दिन में भर्ती होगी। जी जी, अभ्यर्थी वही लोग को पात्र पाए जाएंगे जो कम से कम 21 से 37 साल हों, उम्र 21 से 37, वजन 56 किलो और ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। चयन के लिए उनको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो लाना है और जो लड़के चयन होंगे उनका 350 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। जो चयनित उम्मीदवार होंगे, जो इच्छुक करना चाहते हैं, पर यहाँ पे चयनित होने के बाद देहरादून में जाएंगे तो वहाँ पर अपने स्वयं के खर्चे से ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो प्रशिक्षण शुल्क पसारा के तहत निर्धारित किया गया है 10,500।